नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में। और जैसा कि आज पहली क्लास है इस सेशन की, मैं अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग पूरे जोश के साथ अपनी क्लास में आए हैं आज, और इस साल पूरे जोश और उत्साह के साथ नई क्रिएटिव चीजें, नई कलात्मक चीजें रचने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं और ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग कभी ना कभी जीवन में ये डिसीजन ले पाए कि आपको फाइन आर्ट के फील्ड में आना है। अब बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग साल भर क्लासेस लेंगे और कुछ कॉमन बातें जो हर क्लास में मैं आपसे उम्मीद करूंगा। वो कॉमन बात यह है कि जब भी कोई क्लास हो, आप प्लीज स्केचबुक और पेंसिल के साथ बैठें। पेंसिल या पेन, जो भी चीज आप नोट करने के लिए रखें, हमेशा तैयार रहें इस बात के लिए, क्योंकि क्लास के दौरान जब पढ़ाया जा रहा होता है उस दौरान कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नोट करनी चाहिए, लिख लेनी चाहिए, ताकि आपको बाद में घर पे जाकर क्लास में क्या पढ़ाया गया है उसके कुछ मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट जो है, आपको ध्यान में रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सबसे पहली चीज जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोर्स क्या है। आपने ज्वाइन किया है फाइन आर्ट, आपने सुना होगा फाइन आर्ट, लोग बहुत बोलते हैं कि भाई फाइन आर्ट का कोर्स करें, लेकिन मेरे जहन में हमेशा एक सवाल रहता था, आपके जहन में भी जरूर होगा कि आर्ट और फाइन आर्ट में क्या अंतर है, ये आर्ट क्या होती है और फिर ये आर्ट कब फाइन आर्ट बन जाती है। तो एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और इस पे मैंने थोड़ी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आर्ट और फाइन आर्ट, देखिए पहले हम आर्ट के बारे में बात करते हैं। आर्ट छोटा शब्द है, वहीं से शुरू करते हैं। बचपन से हम कहते हैं आर्ट क्लासेस, आर्ट ये, आर्ट वो, आर्ट, लेकिन आर्ट होता क्या है वैसे? आप मन में सोचें आर्ट क्या होता है। मैं अक्सर विद्यार्थियों से पूछता हूं जब लाइव क्लासेस में, तो लोगों के ऐसे जवाब होते हैं, आर्ट जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम फील करते हैं फिर उसको अपने थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, आर्ट ड्राइंग पेंटिंग आर्ट होता है, इस टाइप के अजीब अजीब से सवाल, अजीब अजीब से जवाब वो लोग देते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि उनको जितना ज्ञान है वो उतना ही बोल पाएंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आर्ट क्रिएटिविटी होती है, ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूं फिर मार्शल आर्ट क्या चीज है? मार्शल आर्ट का तो इससे कोई लेना देना नहीं। और आपने सुना होगा पाक कला, पाक कला, पाक कला होती क्या है? खाना बनाने की कला, ऐसे बहुत सारे शब्दों में कला शब्द जुड़ा होता है। मैं समझता हूं पहले हम कला को डिफाइन कर लें, फाइन आर्ट को हम बाद में देखेंगे। फाइन आर्ट को हम बोलते हैं ललित कला। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, पहले आर्ट पे चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली आर्ट का लेना देना हमारे कार्य कुशलता से है, हम कितने कुशल हैं किसी पर्टिकुलर काम में, हम एक काम को करने में कितने कुशल हो गए तो वो हमारी आर्ट कहलाएगी। जैसे कि सोचिए आप ड्राइविंग करते हैं, मैं भी ड्राइविंग करता हूं, लेकिन जो लोग इस ड्राइविंग को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और दिन रात ड्राइविंग के नए नए आयाम उसके अंदर जोड़ देते हैं, नए नए कर्तव्य उसके अंदर जोड़ देते हैं, और ड्राइविंग करना उनके लिए चुटकियों का खेल है, वो ड्राइविंग में मास्टरी कर चुके हैं, इतना एडवांस मास्टरी कर चुके हैं जो फंक्शन हमें पता भी नहीं। जैसे कि आप देखते हैं कि फिल्मों में आप देखते हैं कि एक कार सीधी जा रही है और अचानक से ब्रेक लगती है और वो अचानक से पीछे वाला पोर्शन आगे की तरफ घूमकर उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। ऐसे बाइकर्स को भी देखते हैं,
मैं बाइकर्स के उस रूप की बात नहीं कर रहा हूँ जहां पर वो दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन जो कर्तव्य दिखाते हैं, स्टंट है, वो उनके लिए बहुत आसान बन चुके होते हैं। आप पुराने समय में सर्कस के अंदर जाते थे, सर्कस में भी आप देखते होंगे कि वो बिल्कुल कर्तव्य दिखाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ कूदते हैं, और ये इस तरह से करना उन लोगों की रोज की आदत बन चुकी होती है। वो इसके लिए एफर्ट नहीं करते, वो एक रोज की आदत है। मैं समझता हूं जब कोई भी काम करते करते हम उसके एडवांस वर्जन पे पहुंच जाएं और वो काम करना हमारे लिए सहज हो, बड़ा ऑब्वियस सा हो, हमारे लिए बड़ा आसान हो वो काम, तब वो चीज हमारी कला बन जाती है। चाहे वो कोई भी काम हो, एक व्यक्ति कपड़े धोता है, एक व्यक्ति साफ सफाई कर रहा है, चाहे कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर को ठीक कर रहा है, कोई व्यक्ति एक्स वाई जेड कोई भी काम कर रहा है, यदि वो उस काम को करने में माहिर हो चुका है और वो महारत वाला काम वो आराम से कर रहा है, सहजता के साथ कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो उसकी कला है। एक बार मैं खाना बनाऊं, पाक कला खाना बनाने की कला को कहते हैं, मैं खाना बनाता हूं, एक बार तुक्के से खाना अच्छा बन जाए तो ये मेरी कला नहीं कहलाएगी। ये चीज मेरी कला तब कहलाएगी जब मैं हर बार अच्छा खाना बना और ये मेरे को आसानी से करना आता है, मेरे को बहुत कोई रेसिपी नहीं पढ़नी पड़ती, ना मेरे को स्पेशल एफर्ट करने पड़ते, उस वक्त मेरे ब्रेन का बहुत मेजर पार्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तब वो मेरी कला कहलाएगी। तो इस तरह से कला किसी भी कार्य से हम जोड़कर देख सकते हैं, आर्ट, कोई भी कार्य आर्ट कहलाया जा सकता है यदि उस कार्य को करने में हम सहज हैं, बड़े आसानी से कर लेते हैं उस काम को, और उस काम के करने के नए नए तरीके निकाल लिए जो आम आदमी नहीं करता, तो उसको हम अपनी कला कह सकते हैं। इसमें किसी भी टाइप के काम को आप जोड़ सकते हैं। तो इसलिए कला को हम ललित कला से अलग रखते हैं, आर्ट को हम फाइन आर्ट से अलग रखते हैं। अब जैसे कि शब्द, अगला शब्द आता है फाइन आर्ट। फाइन शब्द तो आप अच्छे से समझ गए, किसी भी चीज की फाइन क्वालिटी। अब आर्ट का ही फाइन वर्जन, और ज्यादा बारीक, बारीक इन द सेंस कोई पाउडर नहीं है, सेंसिटिव, बहुत बहुत हाई क्वालिटी। तो फाइन आर्ट का संबंध आर्ट से तो है, लेकिन आर्ट के एडवांस वर्जन से है, और सभी तरह की आर्ट को फाइन आर्ट नहीं कहा जा सकता। फाइन आर्ट कहने के लिए या कहलाए जाने के लिए उस आर्ट में कुछ स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे कि आर्ट तो हम उसको भी कह देंगे कि कोई कारपेंटर जो है फर्नीचर बना रहा है, और फर्नीचर बना रहा है, अच्छे से बनाता है, उसकी आदत है, और ये उसकी आर्ट बन चुकी है, लेकिन वो फाइन आर्ट नहीं कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक पेंटिंग बना रहा है, कॉपी करता जा रहा है उसी चीज को, और ट्रेस करता है, बना देता है, या क्राफ्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये सब चीजें फाइन आर्ट नहीं कहलाएंगी। ये सब चीजें फाइन आर्ट तब कहलाती हैं जब हम इसमें इमोशंस की बात करते हैं। फाइन आर्ट की एक खास बात होती है कि फाइन आर्ट फील्ड जो है बचपन से ही हम लोगों को मिलती है, हमारी सोल के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर फाइन आर्ट को ईश्वर ने भेजा है। हम सभी लोग फाइन आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, वो बात अलग है कि कुछ लोग अपनी फाइन आर्ट को डेवलप कर लेते हैं, और कुछ लोग सिर्फ अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते लेकिन अंदर फील करते हैं। बचपन से ही आप देखिएगा कि म्यूजिक के प्रति हमारा बेहद लगाव रहता है, हम म्यूजिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं, म्यूजिक को समझते हैं, म्यूजिक का हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, और म्यूजिक से अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं हमारे मन में। तो म्यूजिक बाय बर्थ हमें मिला है, डांस हमें बाय बर्थ मिला है। अगर हम देखें कलर्स के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो भी बाय बर्थ है। बच्चों के खिलौने आप देखें रंग बिरंगे होंगे, हमेशा कलर की सैचुरेशन को लेके वो हमेशा आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि ये सभी कलाएं, जैसे एक्टिंग करना भी, एक्टिंग करना बाय बर्थ हम लोगों को मिलता है, या एक्टिंग के प्रति जो जागरूकता है हमारी हो जाती है वो, तो ऐसे ये सभी चीजें फाइन आर्ट कहलाएंगी। इसके अंदर हम म्यूजिक भी डाल देते हैं, डांस और
अब ये जो जिसमें आप बोलते हैं पेंटिंग वगैरह, ये सब तो हम डाल ही देंगे इसमें, एक्टिंग भी डाल देंगे, तो इस टाइप से ये सब चीजें आ जाएंगी। लिटरेचर भी आ जाता है, लिटरेचर वो बात ठीक है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है थोड़ा, जब कोई इंसान पढ़ लिख लेता है तब वो लिटरेचर की बात करता है, लेकिन इसमें और क्या खास बात होती है? इन सभी में एक कॉमन बात है कि ये सब चीजें भावनाओं पर आधारित है, इमोशंस पे आधारित है, और सिर्फ बेसिक इमोशंस नहीं कि हंसना और रोना हो, बहुत माइन्यूट इमोशंस इसके अंदर होते हैं। मान लीजिए एक्टिंग में लीजिए, अगर हम लोग हंस रहे हैं तो हंसने के भी 50 तरीके हो सकते हैं हंसने के। हम किसी और पे हंसेंगे तो एक अलग बात होगी, हम लोग एक जोक पे हंसेंगे तो अलग बात होगी, हमें कम हंसी आएगी एक अलग टाइप की हंसी होगी, ज्यादा हंसी आएगी तो अलग टाइप की होगी, हम किसी को धमकी देते हुए हंसते हैं तो वो एक अलग टाइप की हंसी होती है। तो कितना माइन्यूट जो एक्सप्रेशन जो है हमारा रहता है, खास तौर से इन फील्ड्स के अंदर। पेंटिंग में भी आप देखें कितनी सारी अलग अलग इमोशंस होते हैं, कितने सारे फीलिंग्स होती हैं, कितने सारे सेंटिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, और ये सब चीजें आप और भी ज्यादा देखेंगे पेंटिंग में। पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी आती हैं, वो सारी फीलिंग्स जिनको हम अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए, जिनको हम जान नहीं पाए, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त इमोशंस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो फीलिंग्स पड़ी होती हैं वो फीलिंग्स भी एक्सप्रेस होती हैं। और इस वजह से, क्योंकि इतनी सेंसिटिव चीजें हैं, इस वजह से इस तरह की कला को हम लोग ललित कला कहते हैं। ये फाइन आर्ट है, ये इसलिए एक आसान चीज नहीं होती, ये कला से ललित कला जो है थोड़ा सा अलग होती है। ललित कला सभी कलाओं को हम कह नहीं सकते, ललित कला के अंदर इमोशंस और इमोशंस का बहुत फाइन लेवल, बहुत डिफरेंट लेवल, बहुत डीप लेवल उसमें होता है। फिर एक और बड़ी चीज, अगला पॉइंट, बहुत ही बड़ी चीज इसके साथ जुड़ी होती है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यदि इसमें ना हो तो इसे ललित कला नहीं कहेंगे। किसी भी कला में अगर क्रिएटिविटी जुड़ती है तभी उसका एडवांस वर्जन बनता है। ललित कला में क्रिएटिविटी बेहद जरूरी है। अगर ललित कला में कोई व्यक्ति क्रिएटिव काम नहीं कर रहा, रोज नए नए काम नहीं कर रहा, तो फिर वो ललित कला नहीं हो सकती। हाँ, वो क्राफ्ट कहला सकता है। तो सृजनात्मकता जो है बेहद जरूरी चीज है ललित कला के लिए, क्रिएटिविटी। अब पहला चीज इमोशंस, और दूसरी चीज क्रिएटिविटी, और तीसरा जो इसका सिम्टम था वो ये था कि ये चीजें लगभग हमें बाय बर्थ ही मिलती हैं, जन्म से ही हमारी सोल में होती हैं, और ये मासिस से कनेक्ट होती हैं, सारी दुनिया इससे जुड़ी होती है। और इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण फिल्म लाइन है। फिल्म के अंदर सभी प्रकार की फाइन आर्ट के लोग अक्सर जुड़े होते हैं। आप देखते हैं कि एक फिल्म का कंसेप्ट किसी के ब्रेन में आता है, एक राइटर, मैंने लिटरेचर के बारे में बात की, साहित्य के बारे में बात की, एक राइटर होता है तो वो बहुत इस तरह की कहानी लिखता है जिससे कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान के दिल को वो छू जाए। आप फिल्मों में, फिल्मों को देखने जाते हैं, फिल्मों को देखते देखते सडनली रोने लगते हैं, सडनली हंसने लगते हैं, सडनली जोश से भर जाते हैं, तरह तरह के इमोशंस आपके अंदर क्रिएट कर देता है। आप नावल पढ़ते हैं, उसके अंदर भी पढ़ते पढ़ते आपको सस्पेंस वाले नावल भी हैं, अलग से जोश वाले भी हैं, और हंसने वाले वो भी हैं, फिलोसफी भी है, हर तरह के हैं वो, हर तरह के इमोशंस आपके ब्रेन में आते रहते हैं। तो वो राइटर इतने सेंसिटिव तरीके से समझता है पहले, फिर उसको लिखता है। तो उस तरह से फिल्म लाइन के अंदर सबसे पहले स्टोरी लिखी जाती है, फिर यानी कि एक ललित कला का एक पार्ट उसके अंदर जुड़ गया, फिर उसके अंदर स्टार कास्ट होगा तो एक्टर सारे लोग जुड़ गए, एक्टिंग की फील्ड के सारे लोग आ गए, तो एक और ललित कला जुड़ गई उसके अंदर। फिर उसके अंदर जब वीडियोग्राफी वगैरह होगी, वो सब चीजें होने के बाद आप देखेंगे कि सेट डिजाइनिंग होती है, और पूरा सेट डिजाइनिंग में लाइटिंग वगैरह होती है, ये सब चीजें एक सीन विजुअल क्रिएट करती हैं। एक पेंटर, एक आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर, जो कि एक एक लाइट का सिंबॉलिक मीनिंग बताता है, उसका क्या क्या देखने वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा,
एक और ललित कला उसमें जुड़ जाती है, फिर उसमें म्यूजिक जोड़ा जाता है, म्यूजिक के लिए गाने लिखने वाला फिर लिटरेचर से जुड़ा हुआ है वो सिचुएशन को समझ के लिखता है, और गाने वाले लोग फिर सिंगर जुड़ गए, एक और ललित कला जुड़ गई, म्यूजिक कंपोज किया किसी व्यक्ति ने, क्रिएटिविटी भी है, सेंसिटिविटी और म्यूजिक में इमोशंस भी हैं, तो एक और ललित कला उसके अंदर जुड़ गई। तो किस तरह से सारे कलाकार, सारी फाइन आर्ट उस फील्ड में जुड़ जाती है, तो ये एक फाइन आर्ट की खासियत है जो कि कला से, आर्ट से उसको अलग करती है। मैं फिर दोबारा से बहुत सिंपल पॉइंट छोड़ देता हूं, आर्ट किसी भी कार्य को करने की दक्षता है, उसमें परफेक्शन है किसी भी काम को करने की, चाहे कोई घड़ियां ठीक करता है, कोई कारपेंटर है जो फर्नीचर बनाता है, चाहे कोई कपड़े सिलता है, उसमें दक्षता है, उसकी उसकी मास्टरी है, राइट, वो उसकी कला कहलाएगी। लेकिन फाइन आर्ट बाय बर्थ मिलती है, इमोशंस पे आधारित होती है और क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है, मासेस से जुड़ी होती है। तो ये मेजर अंतर है कला और ललित कला में, आर्ट और फाइन आर्ट में। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें, और मैं फिर आप लोगों से एक और क्लास में मिल रहा हूं, पहले इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिए। हम पूरे साल फाइन आर्ट को करने वाले और फाइन आर्ट के डिफरेंट डायमेंशंस को करने वाले, तो मैं समझता हूं पहली क्लास में सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए था कि हम पहले समझ तो लें, कल को हमसे कोई पूछे, कल को हमें कहीं बताना पड़ जाए तो एटलीस्ट हम एटलीस्ट दिमाग में अपनी सोच को क्लियर करके चलें कि आर्ट और फाइन आर्ट में क्या अंतर होता है। ठीक है, इस छोटी सी क्लास के बाद मैं फिर दोबारा आपसे मिलता हूँ इसी क्लास का एक नया वर्जन लेके, जिसके अंदर हम बात करेंगे विजुअल आर्ट पर। थैंक यू।